मैं तो हमेशा कहता हूँ स्त्रियां भगवान का रूप है, वो अगर अपने आप को समझ जाए, मतलब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लड़कियों ने पहले चार रैंक लगाई, अगर वो पहली 10 लगा देती मुझे तब भी आश्चर्य ना हो, क्योंकि शक्ति किसी के पीछे जाती नहीं, तो जब शक्ति किसी के पीछे जाती नहीं तो सारा कंसंट्रेशन उसके अपने पास है, उसने सारी पावर अपने उस पास इस्तेमाल किया। और ये चारों लड़कियों ने एक ऐसा कीर्तिमान इस देश में स्थापित किया है जो अब आने वाली जो लड़कियों की जनरेशन है उनके लिए मानक बनेगा, स्टैंडर्ड बनेगा, कि इस देश में जहां 1,50,000,000,000 लोग रहते हैं, अगर स्त्रियों को अपनी दशा सुधारनी है तो इन चारों लड़कियों को एक स्टैंडर्ड के रूप में, एक आइडियल के रूप में लड़कियों को देखना पड़ेगा। तो मैं उन चारों को बधाई देता हूँ, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपके सामने तमाम लड़कियां स्टूडेंट के तौर पर आती होंगी, और इस देश में वैसे भी लड़कियों के लिए इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आकर निकालना, संघर्ष करना, बड़े शहर में जाके कोचिंग करना, पढ़ाई करना, तैयारी करना इजी नहीं होता। तो आपकी इस तरह के लड़कियों से बातचीत होती है तो किस तरह की बातें निकल के आती हैं? नहीं, लड़कियों के सामने बड़ी चुनौतियां होती हैं, समाज का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, पिता को लगता है, मिडिल क्लास फादर को लगता है कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं कि दहेज का पैसा इकट्ठा करें। बिल्कुल, जो मिडिल क्लास फादर है, मैं तो अपने क्लास में लड़कियों से स्पेशली कहता हूँ, हालांकि जो टॉपर चार टॉपर है इनमें से मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं जानता, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हर लड़की को अपने पिता की फोटो मिडिल क्लास लड़की को अपने पास रखना चाहिए, कि यही वो व्यक्ति है जिसकी जान जा रही है मुझे बनाने में, रिटायरमेंट फंड का पैसा वो बेचारा शादी के लिए रखेगा। तो इस देश की बेटी अगर अपने पिता को कोई गिफ्ट दे सकती है तो वो इन चार लड़कियों की तरह दे सकती है, उसे बुढ़ापे में बीपी, शुगर और यूरिक एसिड से बचा सकती है। तो मैं कहूंगा, मैं अपील करूंगा सारी लड़कियों से कि वो इनको अपना आदर्श बनाएं और इस रास्ते पर मजबूती से चले, और जहां उन्हें गाइडेंस और हेल्प की जरूरत है तो अनअकैडमी हमेशा उनके साथ है।